हरि की भूमि हरियाणा में आज भी प्राचीन संस्कृति जिंदा है। आज भी युवा पीढ़ी रागनी सत्संग सांग को आगे बढ़ा रहे हैं। 21 जनवरी को हर वर्ष की भांति सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की 122वीं जयंती जाटी कला सोनीपत में मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों दादा पंडित लक्ष्मी चंद जी के प्रियजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की और रागनी सांग के माध्यम से लोगों ने अटूट ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया हूँ जाटी कला गांव में। और आप देख सकते हैं सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की आज 122वीं जयंती मनाई गई है। और यहां पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। जो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने जो बीज उस समय जो पेड़ बोए थे और आज वो हरे भरे हो चुके हैं। और आज नई युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़ कर रागनी और सांग में जो हिस्सा ले रही है और जो ज्ञान की जो गंगा में जो डुबकी लगाने के लिए यहाँ आज हमने जो देखा बुजुर्गों के साथ साथ महिलाएं और उसके साथ साथ जो नई युवा पीढ़ी और उसके बच्चे भी, आप मैं कहूँगा देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर वो भी जो है कि हमें यहाँ आ रहे हैं और ये जो उसे ज्ञान की गंगा को पाना चाहते हैं। जो उस समय ज्ञान की गंगा पंडित लक्ष्मी चंद जी ने बहाई थी और आज उसी ज्ञान की गंगा में यहाँ गोता लगा रहे हैं। और आज हमने आपको दिखाया यहाँ टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ किस तरह से यहाँ सांग के जरिए यहाँ ये जितने भी आप ही देख सकते हैं जितने यहाँ सांगे जो काम कर रहे थे वो सब के सब यहाँ जो अपने शब्दों के द्वारा जो बता रहे थे वो सब के सब यहाँ आधे से ज़्यादा तो मुस्लिम है। सोच कर देखिए दोस्तों, आज जहाँ हम धर्म में बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यहाँ सभी धर्म मिलकर उसी ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे टैलेंट ऑफ चैनल के माध्यम से कि ज्ञान की गंगा सभी के अंदर इसी तरह प्रेम से बढ़ती रहे। हाँ जी, मैं विष्णु दत्त शर्मा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी का पुत्र। और जो विधा उन्होंने चलाई थी सांग परंपरा उसी को निभाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ और युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़ें और समाज का सहयोग करें। आज जिस तरह से देखा गया है कि आज युवा पीढ़ी ने भी आज कदम रखा है इस मंच पर और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसके क्या कहेंगे आप इस युवा पीढ़ी को? देखिए, एक कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, कि तरह तरह की शैली आजकल चली हुई है, गढ़वे की है और अन्य तरह की और हैं, लेकिन प्राचीन जो परंपरा है उसको देखते हुए भी युवाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और युवाओं से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह अपना उत्सुकता जो है वो दिखाएं और संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार जी, मैं दीपक कौशिक सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की पावन पवित्र धरा गांव जाटी कला से। आज गांव जाटी कला में दादा लक्ष्मी चंद जी की हर वर्ष की भांति आज 122वीं जयंती है और बड़ी धूमधाम से सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद सेवा समिति इस जयंती को मनाती है। आज इसका प्रथम दिन है और प्रथम दिन पर पूर्णमल का सांग चला हुआ है और ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दादा लक्ष्मीचंद ने उस समय में 1945 में दादाजी चले गए थे, तब उन्होंने भविष्य ज्ञाता थे, दादाजी बता दिए कि आज क्या बीतेगा, तो क्या पतिव्रता स्त्री के धर्म क्या है, तो पुरुष के क्या धर्म होने चाहिए और किस प्रकार से बाप बेटी का धर्म होना चाहिए। उन्होंने एक साथ चाहे बाप बेटी इकट्ठे बैठ करके सुन ले, ऐसी छंदों को पंक्तियों को पिरोया है और समाज में किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए वो संदेश दादाजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर बखेरा है। हिंदी साहित्य के 9 रस हैं, नौ के रस है। चाहे कोई सा भी रस लिया, श्रृंगार रस हो, करुण रस हो, वात्सल्य रस हो, वीरभद्र रस हो, चाहे लाखों उदाहरण ले लो दादाजी की कविताओं में, इतने अलंकार समास उपन्यास सब कुछ व्याकरण दादाजी की कविताओं में आपको मिल जाएंगे। एक अकेली हिंदी भाषा नहीं, संस्कृत, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, कितने भी इन सभी लैंग्वेज का। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है यहाँ जो है कि ना मुस्लिम समाज के लोग जो जुड़े हुए हैं। जी जी जी, दादाजी ने हर धर्म की बात कही है, किसी को काटा नहीं है कि भी किसी भी धर्म की बुराई करी हो, हर धर्म के। अब बल्कि हमारी पार्टी में जो नीचे साजिंदे सदस्य हैं वो भी कहीं से ना किसी मुस्लिम जो है उनसे धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सभी आपस में मिल करके इस परंपरा को चला रहे हैं। और आज इतने साल बाद भी हमने इस परंपरा को छोड़ा नहीं है और भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे। जो दादाजी ने कहा था जिन दोनों पर सांकेत, फिल्म भी तो आ रही थी, फिल्म की मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म हमारी तैयार है दादा लक्ष्मी चंद की। दादा लक्ष्मी जो यशपाल शर्मा जी ने बनाई है उसकी शूटिंग जाटी कला में भी हुई थी और सिरसा जिले के जमाल गांव में हुई थी।
कोरोना के कारण उस फिल्म को अभी रोका हुआ है। जैसे ही कोरोना के सभी नियम हट जाएंगे उस फिल्म को रिलीज कर देंगे। तो उसमें तो आपने भी रोल किया है ना जी, मेरा भी शो वगैरह, और हमारे योगी जी जो बार बार हमारी न्यूज को आगे बढ़ाते हैं उनका भी रोल है। मैं धन्यवाद चाहूंगा कि मेरा ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसे अनुरोध करूंगा कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म जब भी आए आप सभी आपके नजदीक हॉलों में लगवा देंगे, उस फिल्म को जरूर देखने जाओगे। और टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन का और चैनल का मैं अपनी तरफ से, समिति की तरफ से, जाटी कला की तरफ से इतना धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी हर खबर को बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, पर उनका प्रचार प्रसार करते हैं। आपका तय दिल से। मैं बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशल जी हूँ, उनका छोटा भाई दिनेश कौशल। सर आज आप कौन सी जगह आए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है और कैसा लग रहा है आपको? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती है आज। मतलब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया यहाँ पे, इस कमेटी ने, गांव की कमेटी ने जितना मान सम्मान दिया, आज मैं दिल से खुश हूँ। और पूर्णमल का सांग यहाँ बिल्कुल प्यार से सुन रहे हैं। सर इससे पहले भी कार्यक्रम रहा है या इससे यह पहला कार्यक्रम? नहीं सर, मैं कम से कम 12-13 साल से प्रोग्राम देखता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ, खरखोदा भी जो है, गुड़गांव भी, गिज्जी भी जो है, हर प्रोग्राम में जाता हूँ। कम से कम 5 प्रोग्राम होते हैं, उसमें 2-3 प्रोग्राम देखता हूँ। बात की जाए जिस तरह से आज का जो नया दौर है और इस नए दौर के अंदर जो है एक अलग तरह का जो है कैनो निकल के आ रहा है लोगों के अंदर, और ये आज आप पूरी पुरानी संस्कृति को आप सुन रहे हैं। ऐसा सर, पहले सांग कंपटीशन थे, उनमें बिल्कुल मान मर्यादा बिल्कुल समाप्त होगी कंपटीशन में। अब सांग में अब यहाँ दादाजी की सारी बात जो है ऐसी कथा है, इनमें बिल्कुल जो भाई देखो, बेटा देखो, माँ देखो, बहन देखो, इसमें संस्कृति जिंदा रखने का एक जो सबसे बड़ा वो ही है। तो नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? नई पीढ़ी को मैं तो यही संदेश दूंगा कि अभी दादा की बात सांग में सुने और जो है रागनी भी सुने, लेकिन जो है यहाँ पर जो पक्की कथा होती है इसमें कोई गलत तरह की बात नहीं होती, जो है इसको सुने। और एक मेरा जो है जवान पीढ़ी से ये है कि माता पिता की सेवा करें, बच्चों का ध्यान रखें, गलत लाइन पर ना जाएं, और कुछ भाई दादा लक्ष्मीचंद की बात है इनसे भी अपना जो कुछ सीखें, और जो है इसे सारी बात बहुत बढ़िया बात है दादा लक्ष्मीचंद ने जो इतने साल पहले गाई है, उनने साची कुछ सारा ब्रह्मांड गा दिया। 100 साल पहले जिस आदमी ने, जिस पूजनी दादाजी ने जो बात के यहाँ तो घटित हो रही है, तो एक समाज के लिए एक जो है एक अच्छी बात है, तो इन बातों को सुने। धन्यवाद।